नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उद्धव की राहुल को चेतावनी, तो गठबंधन तोड़ लूंगा, ठाकरे बोले सावरकर हमारे भगवान, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं माने तो अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने रविवार को मालेगांव में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर राहुल के दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई है। और दोस्तों, उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा है कि सावरकर हमारे भगवान है और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। वही दोस्तों, सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरारें पैदा होगी और सावरकर मेरे आदर्श है, इसलिए राहुल गांधी उनका अपमान करने से बचे। साथ ही दोस्तों, उद्धव ने कहा है कि सावरकर ने 14 साल का अंडमान से लुर जेल में यातनाएं झेली और हम केवल पीड़िताओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बलिदान एक ही रूप है और हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ते हैं तो गठबंधन में दरारें आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि गलत बयान है, वो गांधी जरूर है लेकिन उन्हें सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर हमारी प्रेरणा है, महाराष्ट्र में चल रही हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। मैं खुद इस मुद्दे पर राहुल से दिल्ली में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिल्किस रेप केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई, 2 दिन पहले एक दोषी मंच पर भाजपा सांसद और विधायक के साथ दिखा था। तो दोस्तों, बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले पर खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और दोस्तों, इससे 2 दिन पहले यानी दोस्तों शनिवार को केस के एक दोषी शैलेश चिमनलाल भट्ट को बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भांबौर और MLA शैलेश भांबौर के साथ मंच पर देखा गया था। वही दोस्तों, हर घर जल योजना से जुड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से कराया गया था। और दोस्तों, बता दें कि सुनवाई में जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की डिवीजन बेंच करेगी। और इससे पहले दोस्तों, दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से जज बेला माधुरी त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था, इसी वजह से दोस्तों सुनवाई टाली जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2002 के गोत्राकांड के दौरान बिल्किस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। और इसी के खिलाफ में बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस्वी बने पापा, लालू परिवार में आई बिटिया, तेज प्रताप ने विधानसभा में बांटे लड्डू, बोले अब सारी परेशानियां जल्द दूर होगी। तो दोस्तों, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं और तेजस्वी यादव ने सुबह 9:53 पर बच्चे की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। वही दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने इस खुशी में विधानसभा में लड्डू बांटे और इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे परिवार में नए सदस्य का आना इस बात का शुभ संकेत है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने अपना आशीर्वाद दिया है। अब सारी परेशानियां जल्द दूर होगी और मेरे अर्जुन को पुत्री धन प्राप्ति पर ढेरों बधाइयां। इसके साथ ही दोस्तों, छोटी बुआ रोहिणी ने भी तेजस्वी और बच्ची की फोटो के साथ एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई भाभी के चेहरे पर खिली मुस्कान रहे और मेरे घर में खुशियों का सदा यूं ही वास रहे। साथ ही दोस्तों, दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मन सुख के सागर में गोते भरे, पापा बनने की खुशी में भाई तेजस्वी के चेहरे पर ऐसी खुशियां झलके और आज किलकारी गूंजी है मेरे घर आंगन में, खुशियों का ऐसा तोहफा दिया है ईश्वर ने। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अतीक की पत्नी की पहली बार बिना बुरके की फोटो, मेशपाल हत्याकांड में फरार है शाइस्ता परवीन, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। तो दोस्तों, गैंगस्टर अतीक अहमद को UP STF गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। और दोस्तों, इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की फोटो पहली बार सामने आई है। तो दोस्तों, इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में शाइस्ता पहली बार बिना बुरके में दिखी है। और दोस्तों, शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। वही दोस्तों, पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर से शाइस्ता ने कहा था कि इंशाल्लाह हमें उमेश पाल को मारकर गायब होना है और अपनी खोई हुई धाक को दोबारा हासिल करना है। वही दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड का इनाम शूटर अरमान
और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें दोस्तों दोनों साथ ही दिखाई दे रहे थे और यह वायरल वीडियो उस समय बताया जा रहा है जब शाइस्ता परवीन मेयर पद के चुनाव का प्रचार कर रही थी और पुलिस ने अरमान पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। और इससे पहले दोस्तों शाइस्ता का एक वीडियो शूटर साबिर के साथ भी वायरल हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की राजनीति में एंट्री। दिल्ली बीजेपी लीगल सेल का सह संयोजक बनाया गया, 16 साल से कर रही है लीगल प्रैक्टिस। तो दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राजनीति में एंट्री की है और दोस्तों उन्हें दिल्ली भाजपा लीगल सेल का को कन्वीनर यानी दोस्तों सह संयोजक बनाया गया है। वही दोस्तों बांसुरी पैसे से वकील है और फिलहाल वे प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ ही हरियाणा के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर काम कर रही है। और दोस्तों यह जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि पार्टी की सेवा करने के लिए यह मौका मुझे मिला है और मैं पार्टी लीडरशिप की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी और लोगों के बीच सक्रिय रूप काम करने का मौका दिया। वही चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पोजीशन पर काम करना चाहूंगी, ना कि आगामी चुनावों के बारे में सोचना चाहूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50 साल बाद बदलेगी सेना की डाइट, सैनिक खाएंगे मोटा अनाज, सेना के बाद अर्धसैनिक बलों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। तो दोस्तों भारतीय सेना के खाने की थाली में लगभग 50 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है और दोस्तों 1 अप्रैल से सभी यूनिट में जवानों और अफसरों की डाइट का 25% हिस्सा मोटे अनाज का होगा। और दोस्तों सेना के आदेशों के मुताबिक बाजरा, ज्वार और रागी के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है और दोस्तों अच्छे रिजल्ट आने पर अन्य अनाज को भी शामिल किया जाएगा। वही दोस्तों फिलहाल थाली में 75% परंपरागत अनाज यानी गेहूं और चावल रहेगा और सेना के सभी समारोह, बड़े खाने व कैंटीनों में मोटे अनाज का इस्तेमाल भी करना होगा। वही दोस्तों छावनियों में बनी कैंटीनों में इसका अलग से काउंटर बनेगा और सेना प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि जवानों और अफसरों को अपने घरों में भी मोटे अनाज का इस्तेमाल के बारे में प्रेरित किया जाएगा और सेना के बाद अर्धसैनिक बलों में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार, 30 मार्च से एक्टिव होगा नया सिस्टम, देश के कई हिस्सों में बारिश भी होगी। तो दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है जिससे दोस्तों मार्च की गर्मी से राहत मिली है और मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ 30 मार्च तक पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाएगा जिससे बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो दोस्तों इस सिस्टम से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और देश के कई हिस्सों को कवर कर सकता है। वही दोस्तों अगले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में बीते 2 दिनों में हुई बारिश के चलते मौसम में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मलयालम एक्टर पूर्व MP इनोसेंट वरिद ठेकेधाला नहीं रहे, अस्पताल ने कहा दिल का दौरा, बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों मलयालम अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसद इनोसेंट वरिद ठेकेधाला का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। वही दोस्तों कोची के एक निजी अस्पताल में रविवार रात 10:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वही दोस्तों अस्पताल की ओर से बताया गया कि 3 मार्च को सांस लेने में परेशानी के होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई बॉडी पार्ट्स ने रिस्पॉन्स ना करने और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। वही दोस्तों इनोसेंट कैंसर सर्वाइवर भी थे और वह साल 2015 में उन्होंने बताया था कि वह बीमारी से मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने अपनी किताब लाफ्टर इन द कैंसर वार्ड में कैंसर से अपनी जंग के बारे में लिखा था। वही दोस्तों आपको बता दें कि अगर इनोसेंट के पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1979 में उन्होंने नगर पालिका पार्षद चुना गया था और चालकुड़ी लोकसभा क्षेत्र के एक पूर्व सांसद इनोसेंट ने CPI का प्रतिनिधित्व भी किया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको माय न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को माय न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, कोरोना केस 134 दिन बाद 10,000 के पार, 61% मामले गुजरात, महाराष्ट्र और केरल
में देश में 24 घंटे में 1805 नए मरीज मिले। तो दोस्तों देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के पार चली गई है और पिछले 24 घंटों में 1805 नए मरीज मिले। वही दोस्तों 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इससे पहले शनिवार को 1890 कोरोना केस मिले थे और 7 की मौत हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों कोविड से होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,30,837 हो गई है। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार सुबह 8 बजे पिछले 24 घंटों का डेटा जारी किया और इसके मुताबिक एक्टिव केस बढ़कर 10,300 हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले गुजरात महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। वही दोस्तों डेली पॉजिटिविटी रेट 3.19% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.39% हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 38 अंक की बढ़त के साथ 57,566 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 39 अंकों की तेजी। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी दोस्तों सोमवार को बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है और सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों आज सेंसेक्स 38 अंक की बढ़त के साथ 57,566 के स्तर पर खुला है। वही दोस्तों निफ्टी में भी 39 अंकों की बढ़त रही है और दोस्तों यह 16,984 के स्तर पर खुला है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट है। वही दोस्तों अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट और 2 में तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों सुबह 9:30 बजे अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 0.78% नीचे कारोबार कर रहा था। वही अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज सोने में बड़ी गिरावट, फिसल कर 59,000 पर आया जाने कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत। तो दोस्तों 27 मार्च को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 650 रुपए कमजोर होकर 59,003 रुपए पर बिक रहा है। वही दोस्तों इसी महीने 20 मार्च को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था और तब इसकी कीमत 59,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। और दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली है और सराफा बाजार में यह 176 रुपए सस्ती होकर 69,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और दोस्तों 24 मार्च को यह 69,756 पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 27 मार्च को फ्लू की कीमतें, करीब 9 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं, ब्रांड क्रूड में मामूली बढ़त। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और करीब दोस्तों 9 महीने के दाम स्थिर बने हुए हैं। वही दोस्तों मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है जबकि शहर में डीजल की कीमत 94.27 रुपए है। तो दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वही दोस्तों आखिरी बार मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था और तब पेट्रोल 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पादक शुल्क घटाया गया था जिससे दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम 9.5 रुपए से 7 रुपए कम हो गए थे। और दोस्तों जुलाई 2022 से महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 5 रुपए और 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने का विरोध करने पर लिया एक्शन, लोगों ने पीएम का घर घेरा। तो दोस्तों इसराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो दोस्तों नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है, इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों रविवार को फिर से इसराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इसराइल की राजधानी तेल अविव में मैन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों इजरायल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया है और पुलिस की इन लोगों से झड़प भी हुई। वही प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई और कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। और दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल के प्रदर्शन को लेकर सोमवार को दोस्तों नेतन्याहू सत्ताधारी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों से बात की है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक अहम हुई है और इससे सरकार का रुख साफ होगा। वही विपक्ष के नेता येर लैपिड ने
कहा है कि नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जडेजा प्रमोट, रोहित कोहली की तरह ए प्लस ग्रेड मिला, 7 करोड़ देगा BCCI, गिल सूर्या को भी फायदा, KLA से बी ग्रेड में गए। तो दोस्तों BCCI ने 2022 से 23 के सीजन के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है और दोस्तों रविवार देर रात जारी कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है। वही दोस्तों वे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह वाले ए प्लस ग्रेड में शामिल हो गए, लेकिन दोस्तों इन सभी को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे और यह कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए जारी किया गया है। वही दोस्तों ए ग्रेड में हार्दिक पांडे, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल शामिल है। वही दोस्तों इन सभी को साल के 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे और इस ग्रेड में हार्दिक पांडे की वापसी भी हुई है और अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया है, जबकि दोस्तों रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत इस ग्रेड में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे और ओपनर KL राहुल को नुकसान हुआ और वह बी ग्रेड में चले गए। वही दोस्तों बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की सूची में 26 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और ग्रेड ए प्लस में इस बार 4 खिलाड़ी है, जबकि हर बार 3 खिलाड़ियों को ही इस ग्रेड में जगह मिलती है। वही दोस्तों ग्रेड ए में 5, बी में 6 और सी में 11 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने बिदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, बोले 2.5 फीट ऊंचा झंडा लगाने पर यह निजाम ने कत्लेआम किया था और यह दूर से नजर आएगा। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर है और दोस्तों उन्होंने यहाँ के बिदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और दोस्तों इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस गोराटा गांव में एक निजाम में सैकड़ों लोगों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने 2.5 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया था और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि इसी जमीन पर हमने 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है जो किसी से छिपेगा नहीं। वही दोस्तों शाह ने गोराटा शहीद मेमोरियल का उद्घाटन भी किया है, उन्होंने कहा कि इसी जमीन पर उन शहीद अमर जवानों का नाम स्मारक भी बनाया गया है और यहाँ बना सरदार पटेल का 20 फीट ऊंचा स्टैचू इस बात का प्रतीक रहेगा कि हैदराबाद के निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी, तब जाकर यह इलाका यह बिदर भारत का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को अब तक दिया जा रहा आरक्षण संविधान के मुताबिक नहीं था और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है ही नहीं और कांग्रेस की सरकार ने अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था और भाजपा ने इसे खत्म करके वो कालिंगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करनाल की बेटी प्रियंका दिल्ली की जज बनी, बोली कम उम्र में शादी से मां पढ़ नहीं सकती, अपना सपना पूरा किया पिता हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर। तो दोस्तों हरियाणा के जिला करनाल की बेटी प्रियंका ने दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की है और दोस्तों प्रियंका मधुबन क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दीवान सिंह की बेटी है जो मां की प्रेरणा और पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ी और सफलता की बुलंदियों को छुआ है। तो दोस्तों सफलता के बाद प्रियंका ने कहा कि कम उम्र में शादी होने से मां ज्यादा नहीं पढ़ सकी और उनका सपना पूरा करने के लिए मैंने यह मेहनत की। वही दोस्तों करनाल के आरकेपुरम की रहने वाली प्रियंका ने दिल्ली न्यायिक सेवा का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब वो जज बन जाएगी। वही दोस्तों प्रियंका का इस परीक्षा में 59वां रैंक आया है और नीलो खेड़ी के विधायक धर्म पाल गोदर भी परिवार को बधाई देने के लिए पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में अमृतपाल के खिलाफ सिखों की रैली, बाइकों पर 3000 राइडर्स ने 30 किमी सफर तय किया, बोले उसे फांसी दी जाए। तो दोस्तों वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल के खिलाफ सिखों ने विरोध की आवाज अब हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। वही दोस्तों रविवार को गुरुग्राम शहर से रेवाड़ी के धारूहेड़ा कस्बा तक 30 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई। इसमें दोस्तों बाइक राइडर्स हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पहुंचे और साथ ही अमृतपाल को देश का गद्दार बताते हुए उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। वही दोस्तों पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया था और अमृतपाल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया था। वही दोस्तों उसके खिलाफ NSA के तहत पंजाब में केस भी दर्ज हो चुका है
वहीं दोस्तों अमृतपाल के काफी साथी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और दोस्तों ऐसे में अमृतपाल के खिलाफ अब सिखों में ही गुस्सा बढ़ने लगा है। और रविवार की शाम गुरुग्राम में मानेसर से दारूहेड़ा तक अमृतपाल के खिलाफ बाइक रैली भी निकाली गई। वही दोस्तों इस रैली में 3,000 से ज्यादा बाइक राइडर्स शामिल हुए और साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए भगत सिंह के भतीजे किरणजीत और सुखदेव के पुत्र अनुज ने भी शिरकत की। वही दोस्तों बाइक रैली में शामिल लोगों ने कहा कि पंजाब की धरती से निकले शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव सरीखे महाबलिदानियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ अमृतपाल जैसे लोग उसी पंजाब की धरती को बदनाम कर रहे हैं। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग हमेशा देश के साथ अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे हैं और पंजाब के लोग ऐसी ताकतों को पनपने नहीं देंगे। बरगलाने वाले अमृतपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते लगे विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।